यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज मैं खेल रहा हूँ मोटेल सुपरमार्केट सिमुलेटर, जो कि मोटेल सिमुलेटर के जैसा ही सेम है। और गाइस, मैंने इस गेम को पहले थोड़ा सा खेला था शुरू बार में, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं इस गेम को बहुत ज़्यादा खेल चुका हूँ। तो अभी जल्दी से अपना गेम को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा गेम गाइस, और यहाँ पर देखो मैंने एक रूम को डेकोरेट किया है, और फिर यही सिर्फ एक रूम है जिसको कि मैंने डेकोरेट किया है। और यहाँ पर बाकी सारा दो तीन रूम का मैंने ये तोड़ा था सारा चीज़, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ अभी। और यहाँ पे देखो अपना सुपरमार्केट है, और सुपरमार्केट को भी पूरा गंदा है, तो इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। और पता नहीं सुपर मार्केट क्या ही गार्बेज है, इसको मतलब कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और डिस्पोज ऑफ गार्बेज में कहाँ फेंकूँगा इसको? रुको, यहाँ पर हाँ डस्टबिन ये रहा, गार्बेज को उठाओ। और फिर ये है गाइस, तो यहाँ पर अभी इसको साफ़ करना पड़ेगा ना। और ये देखो गाइस, अपना ये सुपर मार्केट है बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा है, और पता नहीं इसका मैं आगे कुछ फर्नीचर वर्नीचर मंगा पाऊँगा कि नहीं। रुको, यहाँ पर मुझको देखने दो। और नहीं, ये चेकआउट करने वाला है, तो स्टोर में यहाँ पर से फ्रूट व्रूट मंगाना पड़ेगा। और मेरे पास अभी देखोगे तो $80 है, तो अभी सबसे पहले एक ये मंगा लेते हैं, और एक मैंगो। कितना हो गया अपने पास टोटल? ये हो गया। और फिर उसके बाद ब्लैक पेपर चिप्स है, तो चिप्स मंगाते हैं। और बेवरेज में एक सस्ता वाला पानी मंगा लेते हैं बस, और तो कुछ है नहीं, तो इसको बाय ऑटोमेटिक होता है ना गाइस, ये इस मेरे को ठीक लगा कि बार बार अपने को इसको क्लिक नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक ही सारा हो जाता है। और यहाँ पे मैंगो भी आ चुका है, तो मैंगो को रखते हैं। कैनोट प्लेस आइटम इन दिस रैक, क्यों? अच्छा, ओपन नहीं किया था मैंने ना, तो चलो जल्दी जल्दी आम भी अपने सारा रखा ही जाएगा। और फिर यहाँ से ये इसका एक और क्या है, पानी है ये, तो पानी को ओपन करते हैं। और पानी का बोतल यहाँ पर रखाएगा, नहीं स्नैक्स रैक है, तो पानी का बोतल इसमें रखाएगा, तो चलो यहीं पर रखाओ। तो यहाँ पर सुपर स्टोर फ्रॉम पीसी ओपन करना पड़ेगा ना मुझे, तो होम पे चलते हैं और मोटेल अपना, तो मोटेल को खोल देते हैं, और गैस स्टेशन को भी खोल लेते हैं, और सुपर स्टोर को भी खोल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना काम बढ़ जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से तो कस्टमर आने चालू भी हो गए हैं, और अभी पता चलेगा कि क्या ही हो सकता है मोटेल का। मैं क्या ही करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है गाइस। एक दिस रूम रूम अलॉटेड टू द कस्टमर, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर टेक दिस रूम, नो रूम अवेलेबल, सॉरी नो रूम अवेलेबल। सुपर मार्केट में जाके देखते हैं कि क्या ही अपना हाल है। ओ भाई, यहाँ पर तो तीन आ गए हैं, तो यहाँ पर से करते हैं, यहाँ से इसको लो। चलो, तो यहाँ पर 1.45। अरे नहीं, मैं प्राइस सेट नहीं किया था लगता है, प्राइस सेट भी करना होता है क्या इसमें? नहीं, इसमें प्राइस सेट करना नहीं होता, यह जितना का मैं मंगाया हूँ ना उतना का आएगा। और ये कैशियर है जो कि 6 मिनट के लिए काम करेगा, तो कैशियर का क्या ही करूँगा मैं। और अपना हाँ, मोटेल में ना, मोटेल में कुछ ज़्यादा आ गए हैं, तो कस्टमर इनसे बात करता हूँ। टेक दिस रूम, और सॉरी सर कोई रूम नहीं है अभी यहाँ पर, आप बाद में आना, चलो निकलो आप भी। तो अब यहाँ पर ना अपने को एक नया रूम डेकोरेट करना पड़ेगा, तो अभी सबसे पहले इस एक नया रूम को डेकोरेट करते हैं। और यहाँ से सबसे पहले डस्टबिन को उठाओ, और सबसे पहले इन सारे डस्ट को कचड़ा को है ना हटाना पड़ेगा, तो जल्दी से इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर अभी इसको झाड़ू से साफ़ करना पड़ेगा, तो इसको जल्दी जल्दी साफ़ करो फ्लोर को, तो इसको साफ़ करो। और इधर भी है क्या कुछ? तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, और अभी पेंट चाहिए, वॉल पेंट, तो शॉप पे चलते हैं। वॉल पेंट में कौन सा मंगाऊँ मैं? बेबी ब्लू मस्त रहेगा, चलो इसको बाय करते हैं। तो सबसे पहले होटल का ही करते हैं काम, और बेबी ब्लू, ओह भाई साहब क्या ही स्पीड में हो रहा। तो यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और यहाँ से गेट खुलो, और ये हो गया, ये हो गया। तो फ्लोर पेंट में मैं मंगा लेता हूँ, फ्लोर पेंट में ये चलेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ख़राब है। अगर मैं ऑर्डर का कोई भी सामान रखूँगा ना, तो वो अपने आप गायब हो जाएगा, मतलब रहेगा नहीं, तो वो मेरे को ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। और एक चीज़ और कि इसमें अभी ज़्यादा फंक्शन नहीं है ना, मतलब मुझे गेम थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो शायद ही मैं इस गेम का आगे का सीरीज चालू कर पाऊँ, क्योंकि मेरा आखिरी गेम है और पहला गेम दोनों है। तो अभी जल्दी से इसको करते हैं,
और यहाँ पे रूम तो ठीक ही लग रहा है। और अभी सीलिंग सीलिंग चाहिए, तो सीलिंग पेंट में मैं मंगा लेता हूँ, सीलिंग पेंट 2 मंगाता हूँ, ये ठीक रहेगा। और यहाँ से इसको प्लेस, रूम इज रेडी। तो गाइस ये अपना रूम फाइनली रेडी हो गया है। और देखो अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस गेम के सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ाऊंगा। और ये पिलो फोर है जो कि बेस्ट ही आने वाला है। और ये अपना थोड़ा सा इसको हटाते हैं, तो गाइस यहीं पे अभी रखते हैं, क्योंकि इसका मेरे को गेम थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बार बार बात बात पर ऐड देते रहता है और मैंने तो इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। अगर आपको ये गेम अच्छा लगे तो बोलना, लेकिन मैं तो कहूँगा गाइस इस गेम को मैं नहीं खेलूँगा। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।